तो साहब हम इनकी पैसों इनको मारा है उन बहू को बेटियों को बिलाग तक बंगन की फारी तो बाबा अच्छे पाई लड़कियाँ ने मारू पैसों है तो फिर जी बोली कि भैया हमारे संग रिपोर्ट है चल हमने रिपोर्ट करी रिपोर्ट करके घरे गए तो कोई झगड़ा ना कछु भी आए सीधे और मारो और गोली चलाई और चार मोटरसाइकिलें कुचा दें एक चोर मतलब तीन कुचा दें एक चोरी से ले गए और घर में जितना सामान है तो पैसा जीवर वो साहब सब ले गए आप जांच कर लो है जी साहब चंदू है राजपूत देव सिंह है और निर्भर है बेस आप कम से कम 25-30 आदमी थी और जब गोली चल जाओ चला तो फिर अपनी जान बचा के भागे। हमारे पिताजी जी पड़ोसी कोड़े में ताप रहे थे उन्होंने पटाखा लेकर आया पटाखा डाल दी कोड़े उनके ऊपर आग साग उचक गई तो कह रहे थे पैसे दो शराब पीने के लिए उन्होंने मना किया तो गाली देने लगे गंदी गंदी लड़कियों की बहनों की फिर उसने कह रहा मार देंगे मार देंगे फिर उनको लट्ठी लेके आगे मारने लगे। इसमें कुछ लोग के साथ एक पक्ष ने मारपीट की थी और जो चोटिल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल करा के इसमें अभियोग पंजीकृत करा लिया गया हुआ है और मौके पर एडिशनल एसपी और सर्किल ऑफिसर पर्याप्त फोर्स के साथ मौजूद हैं। तफ्तीश दी जा रही है जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। किस बात की सर मारपीट हुई और एक गोली चली है जो जो तहरीर हमें प्राप्त हुई है उसमें यह भी बताया गया कि गोली चली है। मौके पर हर चीज की हर पहलू की जांच चल रही है लेकिन प्राथमिकता भी है कि आरोपी पक्ष जो है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो इसलिए टीमें रवाना की गई हुई है जल्द ही इसमें कार्रवाई। कितने लोग घायल हैं? जो पहली बार में आए थे उसमें 3-4 लोग चोटिल थे उनको मेडिकल करवाया गया हुआ है और अगर कोई और भी प्रकाश में आता है जिसको चोट लगी है तो उसका मेडिकल करवा के मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया जा चुका है। मौके पर कोई समस्या नहीं है शांति है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।